गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी सोशल साइंस फॉर क्लास 4, चैप्टर 2। टॉपिक नेम इज द पेनिनसुलर प्लेट्यूज, द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू। डियर स्टूडेंट, I think we had already read about the peninsular plateau. Today we will discuss central highland. Central highland. You know, the peninsular plateau divided into two parts. The first one, central highland, and second one, the Deccan plateau. The central highland. Had also consists two plateaus, Malwa plateaus and the Chota Nagpur plateau. The fine black soil of Malwa plateau is good for growing cotton, sugarcane and oilseed. The Chota Nagpur plateau is rich in minerals such as gold, iron, manganese, bauxite, mica. डियर स्टूडेंट, हम लोग सेंट्रल हाईलैंड की चर्चा कर रहे हैं जो पेनिनसुलर प्लेटू का ही दो भाग है। सेंट्रल हाईलैंड के भी दो पार्ट, दो इसमें शामिल है, पहला मालवा प्लेटू और दूसरा छोटा नागपुर प्लेटू। मालवा प्लेटू जिसमें काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल की प्रचुरता के कारण यहां कॉटन के लिए, सुगर कैन यानी गन्ना के लिए, ऑयल सीड जिससे हम तेल का उत्पादन करते हैं सरसों और बहुत सारे ऐसे ऑयल सीड, इसका उत्पादन इन जगहों पर जहां मालवा का प्लेटू है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में होता है। और दूसरा जो छोटा नागपुर प्लेटू की चर्चा हो रही है, जहां हमें कई प्रकार के मिनरल्स प्राप्त कर पाते हैं, जैसे कि मैग्नीज, आयरन, बॉक्साइट, मिका इत्यादि। अब नेक्स्ट है द डेक्कन प्लेट। डेक्कन प्लेटू, द डेक्कन प्लेटू इज आल्सो रिच इन द मिनरल्स जस्ट लाइक छोटा नागपुर। जैसे कि छोटा नागपुर प्लेटू मिनरल्स में ज्यादा से ज्यादा उपलब्धता है वहां, उसी प्रकार डेक्कन प्लेटू में भी है। एरियल मोस्ट ऑफ द गोल्ड इन इंडिया कम फ्रॉम द कोलर गोल्ड माइंस इन कर्नाटका इन द डेक्कन प्लेटू। भारत में जो सोना जहां से प्राप्त होता है कोलर से, वो डेक्कन प्लेटू का ही पार्ट है जो कि कर्नाटक में है। द अदर स्टेट्स दैट आर लोकेटेड इन डेक्कन प्लेटू आर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इत्यादि। And some important things is Jog Falls in the highest waterfall in India is located in Karnataka in the Deccan Plateau. And Jog Fall जो सबसे महत्वपूर्ण waterfall है इंडिया का, वह कर्नाटका में है जो कि Deccan Plateau के अंतर्गत ही आता है। अब है next, हमने Deccan Plateau पढ़ लिया, Central Highland पढ़ लिया। अब प्लेट्यू के अध्ययन के बाद हमें पढ़ना है कि प्लेट्यू का इंपोर्टेंस क्या है। देर आर थ्री इंपोर्टेंट्स ऑफ प्लेट्यू। फर्स्ट, द प्लेट्यू रीजन इज रिच इन मिनरल्स। पहला, मिनरल्स मिया समृद्ध होता है यह जगह या स्थान। ड्यू टू दिस मिनरल द मेनी इंडस्ट्रीज हैज डेवलप्ड, विल बी डेवलप्ड। नंबर टू, डैम्स बिल्ट ऑन द रिवर्स of this region provide water, crops and produce electricity. So many dams, कई सारे ऐसे dams हैं जो बांधे गए हैं नदियों पर, जिससे हम लोग water, पानी, फसल के लिए और बिजली उत्पादन में भी हमें यह सहयोग देता है। नंबर थर्ड, सम इम्पोर्टेंट क्रॉप सच एज कॉटन एंड ऑयल सीड ग्रो वेल इन द प्लेट रीजन। दो महत्वपूर्ण
कॉटन और ऑयल सीड, ये जो है प्लेटू रीजन से ही प्राप्त होता है। द चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ, थैंक यू।